Hello students, today we are going to start with India's foreign policy under the heading of Indo-Russia relations. Russia relations को जानने के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि 1991 से पहले USSR term will be used and after that as Russia has become its successor, it has taken all the inheritance of USSR and after that we will use the word Russia for the relations of both the countries. Beshak, India was non-aligned movement after independence, but it was having close ties between India and USSR after independence. Independence to baad, India aur USSR ke relations bahut zyada achhe the. Many times in 1957 and in 1962 also, सोवियत यूनियन ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एंटी इंडिया इनिशिएटिव्स को, जो कि कश्मीर में चल रहे थे, उनको दबाने के लिए उनके सपोर्ट उनके विरोध में वीटो शक्ति का प्रयोग किया. एंड ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1971, जब इंडिया का मानना था कि वीटो यूज़ किया गया रशिया के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा, इंडिया और पाकिस्तान में वॉर की पोजीशन थी और इंडिया की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. इंडिया मानता था कि बांग्लादेश क्राइसिस को कंप्लीट करके बांग्लादेश को कंप्लीट इंडिपेंडेंस पहुंचाई मिल सके. सो इसी के लिए जब सीज फायर का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब सीज फायर के सपोर्ट में वोटिंग होनी थी, तो यूएसएसआर ने इंडिया के पक्ष में वोट करते हुए, अपनी वीटो पावर का प्रयोग करते हुए सीज फायर नहीं होना दिया और इसी तरह बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो पाया. और जब यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि पाकिस्तान इशू में पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत अच्छा अलाय है, एक बहुत अच्छा सपोर्टर है. यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा ही एक अलाय की, क्योंकि उसकी अफगान पॉलिसी के कारण उसको हमेशा से ही एक अलाय की ज़रूरत थी, एक फ्रेंड की ज़रूरत थी. जो इंडिया अपनी नॉन अलाइन मूवमेंट के कारण यूनाइटेड स्टेट्स की, कोल्ड वॉर से पहले यूनाइटेड स्टेट्स का उसने सपोर्ट नहीं किया, इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं थे, तो यूनाइटेड स्टेट्स को एक अलाय की ज़रूरत थी और वो अलाय उसने पाकिस्तान में ढूंढा. और पाकिस्तान, और जैसे जब उन 1971 की वॉर हुई, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जब अपने ट्रूप्स को, अपनी फोर्सेस को पाकिस्तान की हेल्प के लिए भेजा, उस समय यूएसएसआर ने बे ऑफ बंगाल में अपने ट्रूप्स को, अपने फोर्सेस को इंडिया की हेल्प के लिए भेज दिया. सो देयर वाज द क्लैश बिटवीन वन साइड, यूनाइटेड स्टेट्स हैज सपोर्टेड पाकिस्तान एंड ऑन द अदर साइड यूएसएसआर हैज सपोर्टेड इंडिया बाय सेंडिंग द ट्रूप्स इन बे ऑफ बंगाल. इफ यू टॉक अबाउट द पीस ट्रीटी, USSR 1962 में जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, उस समय USSR बिल्कुल न्यूट्रल रहा. और 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर जब ख़त्म हुई थी, आपको पता है ताशकंद पीस एग्रीमेंट के द्वारा ही ख़त्म हुई थी. तो उस एग्रीमेंट को साइन कहाँ किया गया, उस एग्रीमेंट को साइन किया गया ताशकंद, विच वॉज वन वंस कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान एंड दैट वॉज द पार्ट ऑफ USSR एट दैट टाइम. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद एग्रीमेंट को साइन करने के लिए ताशकंद पहुँचे और वहीं पर 10 जनवरी 1966 को उनकी हार्ट अटैक से मौत आ गई. तो इस ताशकंद एग्रीमेंट, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर को एंड करने वाला पीस एग्रीमेंट था, उसको ब्रोकर करने के लिए उसकी बिचौलगिरी, उसकी मध्यस्थता भी USSR ने ही की. सो 1971 का जब पैक्ट देखते हैं, इंडिया ने एक पीस ट्रीटी साइन की USSR के साथ एंड इट वाज जस्ट लाइक द मिलिट्री पैक्ट, एक फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की ट्रीटी थी और जिसने हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाया पाकिस्तान के अगेंस्ट. इसके टर्म्स में कहा गया कि अगर एक पर अटैक किया जाएगा तो दूसरे पर भी अटैक समझा जाएगा. सो इस पीस ट्रीटी के कारण ही इंडिया USSR के पास आता रहा और यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा दूर
जाता रहा ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम में कौन कौन सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एस्टैब्लिश हुई दोनों नेशंस के बीच में। यूएसएसआर हमेशा ही टेक्निकल हेल्प इंडिया को देता रहा है, यहाँ की कोर इंडस्ट्रीज, यहाँ की टेक्निकल असिस्टेंस देता रहा है। भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, इन सभी स्टील प्लांट्स में जो सेटअप किए गए हैं, दीज आर बीइंग सेटअप विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय यूएसएसआर। भेल प्रोजेक्ट जो था मशीनरी, वहाँ का मशीनरी टोटली हमें रशिया से यूएसएसआर से प्राप्त हुई है। एनर्जी सेक्टर में ONGC की एस्टैब्लिशमेंट, उसको सेटअप करने में इंडिया में यूएसएसआर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वहाँ की टेक्निकल हेल्प के कारण ही इंडिया में ONGC सेटअप हो पाई। एंड मोर ओवर सोवियत यूनियन हैज़ एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब इन दोनों नेशंस का कोल्ड वॉर के टाइम में ट्रेड हुआ करता था तो इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा कमी थी, और उस समय सोवियत यूनियन ने इंडियन करेंसी रुपी को ही एज इट इज़ एक्सेप्ट किया था। और आज की डेट में भी जितना भी ट्रेड होता है यूएसएसआर का, ये रशिया का ये मानना है कि हमें इंडियन करेंसी में भी मिल जाए, अगर एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिल रहा है तो हमें इंडियन करेंसी में ही अगर ट्रेड होता है तो कोई बात नहीं। लेट अस टॉक अबाउट मिलिट्री एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इसरो का जो फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया सोवियत, दैट वाज लॉन्च बाय सोवियत यूनियन। राकेश शर्मा जो स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन 1984 में बने, एंड दिस वाज अ लकी चांस फॉर इंडिया दैट ही फ्लू अब्रॉड द सोवियत स्पेसक्राफ्ट सोयूज T-11। और सोयूज T-11 में ही बैठकर राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन 1984 में बन पाए। इन 1991 अबाउट 70% ऑफ इंडिया आर्मी आर्ममेंट्स, 80% एयरफोर्स सिस्टम और 80% ऑफ नेवल प्लेटफॉर्म वर फ्रॉम सोवियत ओरिजिन। मीन्स जितना भी मिलिट्री हमारी है, चाहे वो हम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की बात कर लें, ये सारी की सारी मिलिट्री सपोर्ट सोवियत ओरिजिन से ही मिलती है। जितने भी आर्ममेंट्स हमारे यहाँ तैयार होते हैं वो सारे के सारे डिफेंस के हमें सोवियत यूनियन से ही प्राप्त हुए हैं जस्ट बिफोर 1991। सो 1991 में क्या होता है? पहली चीज़, इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर PV Narasimha Rao। एंड सोवियत यूनियन वॉज डिसइंटीग्रेटेड, सोवियत यूनियन के डिसॉल्व हो जाता है। तो ये वही टाइम था जब इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। तो 1991 से 2000 तक एक तरह का लल हम देख लें, एक तरह की स्टैग्नेशन देख लें इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स में, क्योंकि रशिया के रिपब्लिक्स को रिवाइव होने के लिए टाइम चाहिए था और उन्होंने ये 10 साल का समय लिया अपने आप को प्रोग्रेस के स्टैंड तक लाने के लिए। लेकिन जब 2001 में व्लादिमीर पुतिन, व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, एट दैट टाइम द बायलैटरल टाइज बिटवीन बोथ द कंट्रीज बिकेम वेरी सॉलिड आफ्टर अ डेकेड, क्योंकि उस समय पूरे 10 सालों तक एक तरह का दौर चला जो कि पूरा का पूरा कन्फ्यूजन और स्टैग्नेशन से बना हुआ था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुए। रशिया इज़ इन्वेस्टिंग अ लॉट इन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट मीन्स टेक्नोलॉजी रशिया की होगी एंड द प्रोजेक्ट्स विल बी मेड इन इंडिया। ऑन दैट बेसिस ओनली मैनी स्मार्ट सिटीज हैव बीन सेटअप। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, दोनों कंट्रीज़ ने टारगेट ये सेट किया था कि 2025 तक $30 बिलियन का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन ये जो गोल है 2017 में ही एक्वायर कर लिया गया, और अब जो नया टारगेट है वो ये है कि $50 बिलियन
की इन्वेस्टमेंट इंडिया में की जाएगी बाय 2025, जो इन दोनों इन्वेस्टमेंट ऑफ टू कंट्रीज दैट हैज़ बीन अ न्यू टारगेट हैज़ बीन सेट अप दैट 50 बिलियन $50 टारगेट विल बी अचीव्ड बाय 2025. सो नेक्स्ट इज़ योर डिफेंस रशिया इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप. इट हैज़ मूव्ड फ्रॉम बियॉन्ड द बायर सेलर मॉडल. अर्लियर वी यूज़ टू बाय वी यूज़ टू इम्पोर्ट द डिफेंस आर्टिकल्स एमिनिशन एंड ऑल, बट नाउ द कोऑपरेटिव रिलेशनशिप हैज़ इमर्ज्ड. अंडर दैट जॉइंट रिसर्च एंड डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन विल बी डन इन इंडिया. टेक्नोलॉजी विल बी from Russia and the things will be, the ammunition will be made in India, they will be produced in India. So you know that India is the second biggest market for Russian defense industry. 2017 mein military hardware ka 68% has been imported from Russia. Now joint military program have been started between India and Russia. Under that BrahMos cruise missile program, Sukhoi Su-30 MKI program, Ka-226T twin engine utility helicopters, naval frigates, and the most important, that is S-400, that has been forwarded by India by keeping United States as a side. S-400 के बारे में स्पेशल ये एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील है जिसको कि इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स को अवॉइड करते हुए किया, क्योंकि काट्सा डील जो है काट्सा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड अंडर दैट द सैंक्शंस विल बी मेड विद दोज कंट्रीज विद दोज जस्ट लाइक रशिया एंड ईरान, जो कि अगर इंडिया वो अगर कोई भी नेशन एशिया में रशिया और ईरान के साथ किसी तरह के रिलेशंस रखेगा तो यूनाइटेड स्टेट्स उस पर सैंक्शंस लगाएगा. लेकिन ये काट्सा डील उसी टाइम सामने आई जब S-400 की डील इंडिया ने फाइनलाइज की रशिया के साथ. इट मींस अगर इंडिया के रिलेशंस यूनाइटेड स्टेट्स से अच्छे हैं तो वो कभी भी ये नहीं कोशिश करेगा कि रशिया के साथ उसके रिलेशन इग्नोर हो जाए या फिर वह रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस ना रखे. नाउ नेक्स्ट इज 21st सेंचुरी में इंडिया रशिया के रिलेशंस कैसे हैं. साइंस और टेक्नोलॉजी में बोथ द कंट्रीज हैव एम्बार्क्ड ऑन इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन दैट इज नोन एज ILTP ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. रशिया करीब 12 न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया में कंस्ट्रक्ट कराने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी हमें हेल्प में देगा. और इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन रशिया ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इज़ लाइकली टू रीच बाय $15 बिलियन बाय 2020. यहाँ पर भी काट्सा मेंशन आप कर सकते हैं क्योंकि इंडिया की रशिया के साथ ऑयल क्योंकि ईरान के साथ अगर वो डील करता है इंडिया तो फिर उस समय उसको कुछ सैंक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लगाई जानी थी, तो फिर इंडिया ने बेटर समझा कि हम रशिया के साथ डील करें क्योंकि रशिया के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. तो यूनाइटेड स्टेट्स के काट्सा एग्रीमेंट को अनदेखा करते हुए इंडिया ने रशिया के से बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस एनर्जी इम्पोर्ट करने का फैसला किया. एंड कल्चरल टाइज में आप देख सकते हैं दैट द फिल्म्स ऑफ इंडिया आर वेरी वेरी पॉपुलर. राजकुमार अमिताभ बच्चन दे हैव गिवन मैनी शोज इन रशिया ऑल्सो. मोर ओवर द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम स्कॉलरली एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कल्चरल फेस्टिवल्स आर्ट एग्जिबिट्स ऑब्जर्वेंस ऑफ ईयर ऑफ योगा इन इंडिया एंड वाइस वर्सा. तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कल्चरली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं. राजकुमार उनकी फिल्म जो मेरा जूता है जापानी में, ये तो नाम इंग्लिशानी,
ये गाने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे रशिया में भी. द पीपल ऑफ रशिया दे एंजॉय वॉचिंग द मूवीज ऑफ इंडिया, इंडियन एक्टर्स, इंडियन एक्ट्रेसेस. मीन्स द इंडियन मूवीज आर क्वाइट पॉपुलर एंड पॉपुलर इन द इन रशिया ऑल्सो. सो दिस इज ऑल विद दिस relations between India and Russia. Stay at your houses and stay safe. Thank you.